आज अपन करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 4 चैप्टर 13। 13 में अपन ने ए बी सी कर लिया था, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 13D। क्या करेंगे एक्सरसाइज 13D में कि बिल किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं बिल अपन एग्जांपल में देखते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल, मेक अ बिल फॉर 4 सॉफ्ट ड्रिंक एट 10 रुपीज ईच, 7 सॉफ्टीज एट 8 रुपीज 15 पैसे ईच एंड 8 बर्गर एट ईच रुपीज 20। क्या है कि एक बिल बनाना है आपको, उसमें क्या है कि एक कोल्ड ड्रिंक, एक सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, जो एक सॉफ्ट ड्रिंक कितने की है, 10 रुपीज की। इसी तरह आपको 4 सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, सॉफ्टी एक कितने की है, 8 रुपीज 15 पैसे, 50 पैसे की। तो आप उसको, अपन को कितनी चाहिए, 7। फिर क्या करना है, 8 बर्गर की बनानी है, 8 एक 1 बर्गर की क्या ईच, क्या कहते, कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज। ओके, तो अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आपको बताना है। सबसे पहले आते हैं आइटम्स, आपने आइटम कौन कौन से लिए हैं, अपन ने आइटम कौन कौन से लिए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्टीज, बर्गर। अपन बनाते हैं बिल, लिखेंगे आप एक्सरसाइज 13D सॉल्यूशन, लिखेंगे पहले आइटम्स, आइटम्स के बाद आती है अपन की क्वांटिटी, मतलब अपन को कितनी चीज वो खरीदनी है, उसकी मात्रा क्या है। क्वांटिटी के बाद आती है रेट, कि जब आप जो चीज आपको खरीदनी है उसकी रेट कितनी है, ईच रेट कितनी है। फिर आता है आपका टोटल अमाउंट, अमाउंट मींस कि आपके रुपीज। क्या करोगे, अपनी आइटम्स कौन कौन से हैं अपने, पहला है सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सेकंड है सॉफ्टीज, सॉफ्टीज के बाद है बर्गर। क्वांटिटी कितनी है, अपन को सॉफ्ट ड्रिंक कितनी चाहिए, 4, सॉफ्टीज कितनी चाहिए, 7, बर्गर कितनी चाहिए, 8। ओके, फिर क्या है रेट, एक सॉफ्ट ड्रिंक की रेट क्या है, 1 सॉफ्ट ड्रिंक की रेट क्या है, 10 रुपीज। वन सॉफ्टी की रेट क्या है, 8 रुपीज 50 पैसे। फिर 8 बर्गर में 1 बर्गर की रेट क्या है, 20 रुपीज। अब आपको अमाउंट बनाना है तो आप क्या करोगे, बड़े बड़े बिल बनते हैं उसमें तो कैलकुलेटर का यूज होता है, लेकिन अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टेन्स आ 4 की मल्टीप्लाई जब 0 से करते हैं तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 0, टेंस से भी की तो 0। पॉइंट मैंने आपको बताया था, जितने जितने नंबर्स के आगे पॉइंट, पीछे से उतने नंबर के आगे क्या लग जाता है, पॉइंट। 4 की मल्टीप्लाई वापस 1, टेंस वापस 1 से की, पॉइंट के आगे जब वापस नंबर आते हैं तो अपन वापस किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से। 4 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 0 से की तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 4 1 जा 4। सॉफ्ट 4 सॉफ्ट ड्रिंक की अमाउंट क्या हो गया, 40 रुपीज। इसी तरह सॉफ्टी की मल्टीप्लाई भी इससे करो, 7 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0, 7 5 जा 35।
7 8 7 8 56. 56 प्लस 3 56, 57, 58, 59, 59 का 9 और 5. आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए कैरी अपन नहीं लगाएंगे. ओके, सॉफ्टीज की 7 सॉफ्टीज की अमाउंट क्या आ गया? 59 रुपीज 50 पैसे. अब क्या करना है? बर्गर, ईच बर्गर कितने का था? 20 रुपीज का. अब 8 की मल्टीप्लाई वापस 0 से की तो 0 0.08 to 16 160 रुपीज 00 पैसे. अब आपको क्या करना है? इन तीनों का टोटल अमाउंट करना है, टोटल अमाउंट बनाना है. लिखोगे लास्ट में ग्रैंड टोटल 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 प्लस 0 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 प्लस 0 प्लस 0 9, 4 प्लस 5 5 6 7 8 9 9 प्लus 6 9, 10 11 12 13 14 15 15 का 5, कैरी लगी 1 1 प्लस 1 2. आंसर क्या आ गया? 259 रुपीज 50 पैसे. ओके, टोटल अमाउंट अपना ग्रैंड टोटल बन गया. इस तरीके से अपन क्या बनाएंगे? बिल. इसी तरह अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 13D, पेज नंबर 142. क्वेश्चन फर्स्ट, आदित्य गोज टू अ स्टेशनरी शॉप. कि आदित्य है वो कहाँ जाती है? स्टेशनरी शॉप पे जाती है. सम ऑफ द आइटम अवेलेबल देयर आर गिवन इन द प्राइस लिस्ट. कि वो कुछ क्या खरीदती है? आइटम अवेलेबल होते हैं उसके अनुसार वो क्या बनाती है? लिस्ट बनाती है. इफ आदित्य खरीदती है 2 फाउंटेन पेन, 2 रजिस्टर्स एंड 1 इरेजर, हाउ मच मनी डस ही स्पेंड. फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि उसने टोटल कितने रुपीज उसके हुए, मतलब उसने चीज खरीदी, कितने की खरीदी. उसके लिए अपन को पहले क्या बनाना पड़ेगा? बिल. कैसे बनाएंगे देखते हैं. उसने अपनी प्राइस लिस्ट भी दे रखी है श्री स्टेशनरी ने. इरेजर, 1 इरेजर कितने का है? 3 रुपीज 20 पैसे का. पेंसिल बॉक्स है 24 रुपीज 35 पैसे की. फाउंटेन पेन है 30 रुपीज 50 पैसे के. रजिस्टर है 35 रुपीज का. कलर पेंसिल है 18 रुपीज 75 पैसे की. अब अपन इसका आंसर करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, पहले बनाना है क्या लिखेंगे? आइटम्स. आइटम्स के बाद आइटम कौन कौन से आदित्य ने लिए थे? फर्स्ट क्या है? फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन. ओके, फिर कौन सा है? रजिस्टर. रजिस्टर के बाद 1 इरेजर. देखते हैं, आइटम लिख लिए अपन ने, उसने कौन कौन से खरीदे हैं. आइटम के बाद कौन सी क्या आता है? क्वांटिटी, मतलब उसको कौन सी चीज कितनी चाहिए. फाउंटेन पेन उसको कितनी चाहिए? 2 फाउंटेन पेन लिख देंगे 2. रजिस्टर भी 2. इरेजर कितना चाहिए? 1. वापस लाइन खींचेंगे, ओके. फिर क्वांटिटी के बाद रेट, कि स्टेशनरी की रेट कितनी है? ईच, मतलब 1 पेन की, 1 रजिस्टर की और 1 इरेजर की क्या क्या रेट है.
लेंगे। अब अपन लिखेंगे रेट, रेट क्या है फाउंटेन पेन की, क्या रेट है 30 रुपीज 50 पैसे। रजिस्टर की क्या है 35 रुपीज। इरेजर की क्या है 3 रुपीज 20 पैसे। अब अपन अपना अमाउंट बनाएंगे, अपना अमाउंट का बिल क्या होगा वो करेंगे। देखिए कितने फाउंटेन पेन खरीदे हैं 2। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्योंकि अगर 1 चीज की अपन को रेट दे रखी है और उससे अधिक चीज की रेट पूछते हैं तो अपन मल्टीप्लाई ही करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0, 2 5 10, 10 का 0 कैरी लगी 1, 2 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0, 2 1 0 प्लस 1 1, 2 3 6। ओके, कितने नंबर्स के आगे पॉइंट, पीछे पॉइंट, आगे पॉइंट लगे जाएगा 1 2 1 2। ओके, क्या आ गई 2 फाउंटेन पेन की रेट 61 रुपीज। इसी तरह अपन सेकंड रजिस्टर है, रजिस्टर 0 की मल्टीप्लाई की तो 0, 0.25 10, 2 3 6 6 प्लस 1 7, 70 रुपीज आ गई 2 रजिस्टर की रेट। इरेजर कितना है 1, 1 की मल्टीप्लाई किसी से करो तो वही सेम नंबर आता है 3 रुपीज 20 पैसे। ओके, अब अपन को क्या करना है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल क्या करेंगे अपन, इन सबको क्या कर लेंगे प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 10 100,000 का ध्यान रखना, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस 0 1 प्लस 3 4, 7 प्लस 6 13। आंसर क्या आ गया, उसके टोटल कितना हो गया 134 रुपीज 20 पैसे। अब देखिए 1 क्वेश्चन का अपन आंसर ले लिया कि उसने कितने पैसे उसने खुद ने खर्च किए हैं 134 रुपीज 20 पैसे। अब आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ ही गिव्स कि वो उसको, मतलब आदित्य है वो उसको कितने रुपीज देता है, 500 रुपीज देता है शॉपकीपर को, हाउ मच मनी डज ही गेट बैक। अब शॉपकीपर है उसको वापस कितने रुपीज देगा, कैसे करेंगे इसका आंसर, देखो माइनस करते हैं। आपने कहीं दुकान पर गए, आपने इतने इतने की चीज खरीद ली, उसको आपने उतने पैसे दिए, तो वो क्या करेगा माइनस करके ही आपको वापस पैसे देगा, कैसे करेंगे देखो। आदित्य गिव मनी, कितने मनी उसने दिए 500 रुपीज, पैसे कितने हैं 0 0, तो आप क्या करोगे पॉइंट लगा के 0 0 लिख दोगे। ओके, फिर ही स्पेंड मनी, उसने कितने रुपए खर्च किए हैं 134 रुपीज 20 पैसे। अब क्या करोगे इसमें आप माइनस, लास्ट में 0 में से 0 को माइनस किया तो 0, 0 में से 2 माइनस होता है नहीं, इसने इसको कैरी दी इधर हो गया 10, इसने वापस इसको कैरी दी तो इधर हो गया 9, इधर हो गया 10, सबसे पहले इधर कितना हो जाएगा 4, वापस इसने इसको कैरी दी तो इधर हो गया वापस 10 हो जाएगा, लेकिन वापस इसने इसको कैरी दी तो इधर कितना हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 10, अब ये इसको कैरी देगा इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 10, लेकिन इसको अपन को देने इधर तक ही करना है लास्ट, तो अपन क्या करेंगे इधर हो जाएगा अपना 10। देखिए कैसे, इससे अपन ने कैरी मांगी, इसके पास थे नहीं पैसे, इसने इससे उधार लिए, इसके पास भी नहीं थे तो इसने इससे उधार लिए, इसने जब इसको पहले कैरी दी तो इधर हो गया 10 रुपीज, इधर हो गया 4 रुपीज। ओके, वापस इसने जब इसको कैरी दी इधर हो गया 9 रुपीज, इधर हो गया 10 रुपीज,
फिर वापस जब ये इसको कैरी देगा तो इधर हो जाएगा 9 रुपीज, इधर हो जाएगा 10। 10 में से 2 को माइनस किया 8, 9 में से 4 को माइनस किया 5, 9 में से 3 को माइनस किया 6, 4 में से 1 को माइनस किया 3। वापस शॉपकीपर ने उसको कितने रुपीज वापस दिए? शॉपकीपर गेट बैक मनी, उसने वापस उसको कितने रुपए दिए? 365 रुपीज 80 पैसे। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह आप क्या करोगे, क्वेश्चन सेकंड है वो आपको इसी नोटबुक के अंदर ही करना है, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट है वो आप नोटबुक के अंदर करेंगे, क्वेश्चन सेकंड आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।